बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ब्लॉग अल्लाह पाक के करम और फजल से शुरू करते हैं। उम्मीद काफ़ी अब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज सैटरडे का दिन है हफ्ता, और कल छुट्टी थी, कल कहीं पे भी नहीं गया हूँ मैं। सारा दिन सोया रहा हूँ, रेस्ट की है और बहुत ज़्यादा नींद की है मैंने। आज बिल्कुल फ्रेश हूँ। तो सबसे पहले मैं कतर ड्राइविंग स्कूल जा रहा हूँ, वहाँ से मैंने एक दोस्त को उठाना है, तो उनकी क्लासेस हो रही है, तो फिर उसको साथ ले जाना है ऑफिस। और वहाँ पे विजिटर्स हैं जो कार की जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, जिनके पास अपनी कार्स हैं, तो उनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करनी है और उनको ज्वाइनिंग करानी है रफीक के अंदर। और दूसरा, मैंने रैयान पुलिस स्टेशन जाना था, लेकिन आज मैं नहीं जा रहा। शायद मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कोई कोई पुलिस फीस ना हो रिपोर्ट की, तो कार्ड जो है वो खाली है, फिर उसमें पेमेंट डालनी पड़ेगी, क्योंकि उस रात मैंने पैसे निकाल लिए थे सारे, तो फिर कुछ ना कुछ उसमें डालना पड़ेगा। यहाँ पे ज़्यादातर जो पुलिस स्टेशन हैं या इंश्योरेंस वगैरह की जगह है, फहाश है, ऑफिस रिलेटेड कोई भी वर्क है, वहाँ पे सिर्फ कार्ड चलता है। कार्ड के बगैर पेमेंट नहीं होती है, ऑप्शंस नहीं होता है। तो बेहतर फिर यही होता है कि एक दफ़ा जाना फिर आना, तो उससे अच्छा है कि कार्ड में बैलेंस होना चाहिए, तो इजी हो जाता है बंदा। फिर मैंने वो पल्सर को दो प्लेट्स लगानी है, नंबर प्लेट, और उसका काम ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ से तकरीबन कोई है 14-15 किलोमीटर कतर ड्राइविंग स्कूल, उसके बाद फिर ऑफिस की तरफ रवाना होगा मैं। यार मैं स्कूल में आया था और बंदे को उठाया है, अभी मैं ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। आज कोई क्लास नहीं मिली, मशीन जो है वो लॉग इन लॉग आउट वाली ख़राब थी। फिर लड़के वापस जा रहे हैं रूम की तरफ, और बाकी लड़कों की अपडेट आने वाली है, जिन्होंने ना सिग्नल टेस्ट पास किया था। अभी मैं उनका पूछ के जा रहा हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि कल या परसों आ जाए, तो जो है वो कार्ड आप ले जाएं उसके सिग्नल टेस्ट की डेट। अभी फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और ऑफिस जाके शायद मुझे फिर रफ़ी के ऑफिस जाना पड़े, इंशाल्लाह वहाँ जाके मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। कल बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई थी इसकी, और मुझे चार्ज करने का मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं चार्ज कर लेता इसको। तो कल हमने एक प्रिंटर लिए, एक फैमिली जा रही थी कतर छोड़ के, अब नहीं आइडिया कि कहाँ की थी, लेकिन लोग अच्छे थे। प्रिंटर जो है वो कॉस्टली तो है, लेकिन अच्छा मिल गया है, उसकी प्राइस उससे भी ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है जितने का मैंने लिया है। तो अभी इस टाइम मैं जा रहा हूँ लेबर में, सनाइया के अंदर जो लेबर वालों का ऑफिस है वहाँ पे, वहाँ से फिर होके फिर मैंने जाना है पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन से फिर मैंने स्कूल जाना है लड़कों की, क्या नाम है, सिग्नल टेस्ट की डेट लेनी है, फिर मैंने सुनोनो के ऑफिस जाना है, और फिर बाद में अपने ऑफिस जाना है। यहाँ पे लेबर में इसलिए जा रहा हूँ कि यहाँ पे ना मैंने चेन डाला हुआ है काफ़ी टाइम से, मतलब ये है कि कोई श्रीलंका था या मेरे ख्याल में नेपाल के वीज़े थे, उसको चेन के लिए डाला हुआ है मैंने, तो वो स्टेटस नहीं आ रहा है उनका। चलिए इधर से घूम लेंगे फिर,
वो मैंने डाला था क्या नाम है, ईद की छुट्टियों से पहले, लेकिन अभी भी वो जो है स्टेटस शो नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इनको थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं कि ये एप्लीकेशन नंबर है और रिव्यू में नहीं आ रही है, तो फिर वो दोबारा उसको रीइंटर मारेंगे, 2-3 दिन तक रिज़ल्ट आ जाएगा उसका, नहीं तो ये पेंडिंग पड़ी रहेगी, फिर जब इनको होश आएगा तब ये जाके फिर उसको प्रोसेस करेंगे। यहाँ तो ये नो एंट्री, लेकिन बस यहाँ से हर बंदा मार लेता है यार। लेबर से भी बाहर जा रहा हूँ, पूरा 1 घंटा इसने वेट कराया और उसके बाद पता चला है जी अब की जो एप्लीकेशन जो मैंने दी हुई है ना तादील के लिए, चेन के लिए, वो रिटर्न आ गई है। तो अब जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, जिससे मैं काम कराता हूँ ऑफिस के नीचे, वो बंदा सिर्फ गुजारा है और कुछ नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ मेजर, वहाँ से इसको इसकी करेक्शन कराता हूँ, फिर दोबारा सेंड करता हूँ और उसके बाद फिर जाऊँगा मैं स्कूल। स्कूल से ना वो लड़कों के कार्ड उठाने हैं, कार्ड उठा के सुनो के ऑफिस जाता हूँ, फिर ऑफिस में। हियर टाइपिंग सेंटर से होके मैं जा रहा हूँ, अभी ऑफिस नहीं जाना मैं, क्या नाम है, इधर नहीं जाना स्कूल, मैंने जाना है ऑफिस, और ऑफिस जा के फिर वहाँ पे बातचीत करता हूँ। थोड़ा सा कार ड्राइवर्स का ऑर्डर का इशू आया हुआ है, तो उसके लिए उसके बारे में मैं जाके बोलता हूँ। एक बंदा कह रहा है 8 बजे से मैं ऑनलाइन हूँ और एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा है मुझे, इंशाल्लाह आप लोगों को मैं अपडेट देता हूँ। फिर अगर टाइम मिला तो स्कूल जाऊँगा, नहीं तो फिर 2 काम जो हैं वो पोस्टपोन कर रहा हूँ, तो कल करूँगा मैं जाके, आज नहीं हो सकते हैं सारे काम। यार सुनोनो के ऑफिस से मैं बाहर जा रहा हूँ और काम हो गया है लेकिन थोड़ा सा पेंडिंग में है, और दूसरा वो जो तादील शरीफ हमने डालो थे, जो हमने डालो थे 2 पाकिस्तानी, वो चेंज हो गया है, वो हमने अभी खलास कर देना है। 2 आदमियों का कॉपी आया हुआ है हमारे पास, उसको हम ही खलास कर देंगे और फिर उसके बाद फिर दोबारा डालेंगे। एक इंडियन बचा हुआ था, इंडियन कॉपी आई हुई थी, उसको खलास करने का है, तो वो हो जाएंगे तो ये पाकिस्तानी हो जाएंगे, तो बाकी बच जाएंगे पीछे 4 और 5, कितने हो गए 9 और 5, कितने हो गए 14 जो है वो वीज़ा बच जाएंगे, बाकी टोटल खलास कर लिए हैं हमने। लेट्स सी अभी क्या होता है। अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ और एक काम अभी पेंडिंग रह गया है, लड़कों की जो है वो डेट लेनी है मैंने टेस्ट की, सिग्नल टेस्ट की, उसके बाद और कोई ख़ास काम नहीं है एज सच। गर्मी बहुत है और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।
रात का टाइम हो चुका है और आज ऑफिस जल्दी क्लोज करके जा रहे हैं। कोई ख़ास कोई विजिट नहीं था, बस एक तो आज हमने ऑफिस का विजिट, सॉरी सुनोनो का ऑफिस का विजिट किए हैं। उसके बाद लेबर गए थे, फिर उन्होंने यही बोला था कि इसको दोबारा भेजो। दोबारा भेजा तो मैसेज आ गया अप्रूवल का, तो पाकिस्तानी वीज़े चेंज हो चुके हैं, लेकिन वो मैंने दिए हुए हैं एक एजेंट को, वो चले जाएंगे। एक इंडियन रहता था, बचता था, वो मैंने चेंज किया है, वो मैंने आज डाल दिया, वो ख़त्म हो गया है। दो पाकिस्तानी ऑलमोस्ट अभी जाके मैं क्लियर कर दूंगा, तो पीछे बच जाएंगे 5 श्रीलंका, 6 नेपाल और 5 युगांडा, तो टोटल बचेंगे 14। 14 में से 7 जो हैं वो पाकिस्तानी डालता हूँ और 7 डालूँगा इंडिया का। तो कहानी यहीं ख़त्म कर देंगे इसकी, फिर दोबारा अप्लाई करेंगे पाकिस्तानी वीज़ा इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग फिर यहीं एंड करते हैं। उम्मीद काफ़ी आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं, जितना मेरे इल्म के अंदर होगा इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ फिर मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।